गाड़ी पर ढोर नगाड़े और घोड़े पर तलवार लहराते संतों का अंदाज काफी निराला है। जून अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के संतों ने अपने खास अंदाज में महाकुंभ के लिए प्रयागराज में प्रवेश किया। अब साधु संत संगम की रेती पर जप तप और पूजा पाठ करेंगे। संतों के स्वागत के लिए भारी तादाद में लोग सड़कों के किनारे खड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर फूल बरसाकर संतों का स्वागत किया गया। यही नहीं, कई जगहों पर संतों की आरती भी उतारी गई। 2025 के कुंभ मेले के लिए देश का सबसे बड़ा जूना अखाड़ा आज नगर प्रवेश कर रहा है और उनका जुलूस जो है उनके छावनी क्षेत्र से शहर की सीमा में प्रवेश कर रहा है। तो आप देखें तो यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और आप देखें तो पहली कतार में तमाम संत यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो धीरे धीरे नगर प्रवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है और जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस नगर प्रवेश में शामिल है। तो किन्नर संतों को भी सम्मान दिया था 2019 में योगी सरकार ने और उसके बाद उनको किन्नर समाज को जूना अखाड़े के साथ तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने की शिरकत करने की एक तरह से परमिशन मिल गई थी, संस्तुति हो गई थी। उसके बाद से किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ हर कार्यक्रम में इसी तरह से शामिल होता। आप देखें तमाम नागा संत यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाड़ी के ऊपर शरीर पर उनके भभूति आपको दिखाई देगी। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर ये जो नगर प्रवेश है वो हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, वो इस नगर प्रवेश में शामिल हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धीरे धीरे शहर की सीमा में प्रवेश कर रही। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी के दिशा निर्देशन में नगर प्रवेश यात्रा रामापुर से शुरू होकर श्री मौज गिरी श्री पंच दशनाम तक पहुंची। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने माला पहनाकर साधु संतों का स्वागत किया। इस दौरान महंत हरिगिरी ने प्रयागराज में संतों के आगमन को महत्व बताया। ऐसा कि नगर प्रवेश का अर्थ है कि सब लोगों का नियम है कि किसी तीर्थ में किसी नगर में जाने के पहले नगर के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करना। जो हमारे यहाँ धार्मिक परंपराओं से ग्रामीण देवता होते हैं, नगर के देवता होते हैं, तो इसलिए भगवान बेनी माधव का और जमुना गंगा सरस्वती का उपासना करना, पूजा करना और नगर में प्रवेश करने का अनुमति लेना तो राजा महाराजाओं से ली जाती थी। अभी मेला अधिकारी से अनुमति लिया गया है कि जनपद प्रयागराज कुंभ मेला भाग के लिए जमुना तट की जमुना तट कालंदी उत्सव में शामिल होने का हमें परमिशन दिया जा और नगर में रहकर दत्तात्रेय जयंती तक बास किया जाएगा। और उसके बाद कुंभ मेले का प्लाट कटने के बाद, गंगा जी जमीन छोड़ने के बाद, हम लोगों को द्वारा जो प्लाट मिलेगा वहाँ कुंभ मेले के पर्व से 14 फरवरी तक संगम तट पर उपासना होगा और पर्व का उत्साह मनाया जाएगा। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है। महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। जुलूस और गाजेबाजे के साथ में नगर प्रवेश की यह परंपरा कैसे बनी, इसके बारे में महंत हरिगिरी ने समझाया। ऐसा है कि परंपराएं मतलब इतनी है कि देवी देवताओं का हर प्रकार की उपासना की जाती है। अब उपासना में अलग अलग रूप से होता है, कोई देवता वस्त्र पहनते हैं, कोई देवता नंगे भी रहते हैं, अनेक प्रकार सनातन